प्रधान डाकघर गोलघर के कर्मचारियों ने मंगलवार को बोनस न मिलने पर प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी के क्षेत्रीय सचिव जनार्दन सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष दशहरा के समय बोनस मिल जाता था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक डाक कर्मचारियों के बोनस का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बोनस का आदेश न देकर बोनस पर भी रोक लगाना चाहती है। इस मौके पर संजय, अरविंद कुमार, सुमन, ए के सिंह, मनीष कुमार, जगदम्बा श्रीवास्तव सहित अन्य डाक कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी के क्षेत्रीय सचिव जनार्दन सिंह ने कहा, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, जय नहीं कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हॉस्टल यू की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद पी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं जनार्दन सिंह, क्षेत्रीय मंत्री, गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर। आज का धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा बोनस की घोषणा न करने के लिए किया जा रहा है। सन 1978 से पूरे सेंटर कर्मचारियों को जो है प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को बोनस लगातार दिया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के जो सरकार है कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण जो है ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि तत्काल इसकी घोषणा करें, नहीं तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। राधेश्याम चंद नाम है हमारा, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन एंड वर्कर्स का गोरखपुर का अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश का सहायक सचिव। मांग है बोनस, आज केवल बोनस डिमांड है, और जिस तरह से आज तक सरकारें केंद्रीय सरकार बोनस देती रही है वो बोनस हमारे कर्मचारियों को तत्काल घोषणा की जाए, अन्यथा जो भी निर्देश ऊपर से हमारे फिर कॉन्फेडरेशन का आएगा उसके तहत हम लोग फिर काम करेंगे। धन्यवाद।